हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया था, इसमें 2 मिलियन व्यूज गया है। सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसमें कमेंट्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि अगर ऐसे चाकू से कोई मारता है इसे और उसका दूसरा हैंड फ्री है तो उसे कहीं भी आप अटैक कर सकते हैं आपका दुश्मन। तो इसका तोड़ हम बताने जाएंगे, इसका डिफेंस बताएंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बन रहिए और इसका डिफेंस आप जानिए। धन्यवाद, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। आइए हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, लेकिन इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ओरिजिनल चाकू मत रखिएगा, स्टिक का चाकू आप कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैंने स्टिक का ही चाकू रखा है। आप लोग भी ओरिजिनल ना रखिए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये संभव होगा। हम लोग तो ट्रेनिंग किए हुए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसका डिफेंस। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ से तेजी से घूमना है ये, और घूमने के बाद से वहां से फिर दोबारा वो अटैक कर सकता है। तो इस हैंड से क्या कर रहे हैं, यहाँ ब्लॉक करेंगे, तेजी से ब्लॉक करेंगे, पूरा यहाँ पावर से मार लेता है क्योंकि ये चाकू इस हैंड से छूट जाएगा। इसका दूसरा हैंड भी फ्री है, इसे अटैक कर सकता है। तो ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे ग्रैप कर लेंगे, इससे भी तो ये मार सकता है, ये ग्रैप कर लेंगे। ग्रैप करने के बाद पहले से यहाँ लगा के आप इसे ऐसे पकड़ के यहाँ गिरा के आप इसको दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये करने के बाद, ये मारने के बाद चाकू छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ा तो दोबारा अटैक करेगा वो। जब दोबारा अटैक करेगा तो आपको पीछे हटके इसके हैंडों को ग्रैब करना है। ग्रैब करके ये पूरा पीछे लेके जाएंगे और चाकू को छीन लेंगे, इसके पीठ पे या फिर कहीं भी वार कर सकते हैं। तो जैसे कि ये चाकू का डिफेंस आसान नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा और अपने सामने के दुश्मन के स्पीड से ज्यादा आपको फुर्तीले होना होगा, तब जाके आप चाकू का डिफेंस आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिफेंस के तरफ। अगर मान लेते हैं चाकू को ऐसे लिया और ऐसे अटैक किया तो कैसे बचेंगे, इसका डिफेंस हम बताएंगे अभी। आइए सर, तो चलिए हम डिफेंस बताते हैं। अगर कोई सामने से अटैक करता है तो कैसे बचेंगे, ये ब्लॉक करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ से पंच बना के उसके फेस से मारेंगे। उसके बाद से अगर आप ठीक जान देते तो उठाइए कि और यहाँ पे पुश किक मार दीजिए, वो कम दूर जाएगा और जाहिर सी बात है बच जाइएगा।